विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर हापुड़ की मोदीनगर रोड पर स्थित सरस्वती बाल मंदिर में वन विभाग हापुड़ द्वारा पौधारोपण और विश्व पर्यावरण दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों द्वारा मां शारदे के समक्ष दीप प्रज्वलन और वंदना से हुआ। तत्पश्चात विद्यालय के प्रधानाचार्य सुनील कुमार शर्मा ने अतिथि परिचय व स्वागत कराया। इस अवसर पर शिशु एवं बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष संजय कृपाल गर्ग ने सभा को संबोधित करते हुए बताया कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। हमें मात्र एक दिन ही पर्यावरण की चिंता नहीं करनी चाहिए, बल्कि ये भाव हमेशा रखना है और इसे अपने व्यवहार में रखते हुए उसके समान आचरण करना चाहिए। पर्यावरण अपने आप में बहुत व्यापक है। हम सिर्फ पेड़ पौधे लगाने को ही पर्यावरण नहीं कह सकते, इसके अलावा भी अनेक कार्य हैं जिन्हें करके अपने पर्यावरण को स्वच्छ बनाया जा सकता है। आज संपूर्ण विश्व पर्यावरणीय समस्या से जूझ रहा है। यदि ऐसे ही हालात बिगड़ते रहे तो भविष्य बहुत खतरे में है। हमें अपने बच्चों और छात्रों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करना चाहिए। मुख्य अतिथि फॉरेस्ट रेंजर मुकेश चंद्र कांडपाल ने बताया कि सर्वप्रथम सन 1972 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने विश्व पर्यावरण दिवस मनाने की पहल की और सन 1973 में स्वीडन में 119 देशों ने मिलकर विश्व पर्यावरण दिवस मनाया। भारत में पर्यावरण की पौराणिक मान्यताएं हैं। अनेक त्यौहार वृक्षों के महत्व को प्रदर्शित करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के साथ साथ इनका वैज्ञानिक महत्व भी है। पीपल के पेड़ में भगवान विष्णु का वास मानते हुए पूजा की जाती है। वैज्ञानिक तथ्य यह है कि पीपल का पेड़ सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन उत्सर्जित करता है। पर्यावरण को बचाने के लिए हमें जल संरक्षण, विद्युत संरक्षण, अन्य प्रदूषण की रोकथाम करनी है। पानी की एक एक बूंद बहुत मूल्यवान है, इसको बचाना ही हमारा उद्देश्य रहना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। बच्चों को पेड़ों का महत्व बताने के लिए उनके हाथों से ही पेड़ लगवाकर उसकी देखभाल करवाएं। कार्यक्रम के समापन पर विद्यालय के प्रबंधक अनिल कुमार अग्रवाल कार्यक्रम में पधारे अतिथियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि हमारी सरकार व वन विभाग का ये बहुत अच्छा प्रयास है। समाज का उपभोक्तावादी होना पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुँचा रहा है, जो हमें निरंतर विनाश की ओर ले जा रहा है। यदि भविष्य सुरक्षित करना है तो समाज में जागरूकता लाना अति आवश्यक है।